एक बार फिर स्वागत आपका भोजपुरी नाटक में। तो मैं हूँ छोटू बाबू। आज मुंबई में बहुत ही प्यारी फिल्म का जिसके स्टार कास्ट रितेश पांडे जी हमारे साथ में विदेश में काल सबसे पहले तो मैं गणेश चतुर्थी की सभी पत्रकार भाइयों को और यहाँ पे उपस्थित जो भी सारे सज्जन भाई बहन हमारे बैठे हुए हैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और यशस्वी फिल्म्स क्रिएशन की ये पहली फिल्म है जिसका नाम आपने देखा है, पोस्टर पर षड्यंत्र लिखा हुआ है। इस फिल्म की कहानी बहुत ही सशक्त है और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म आम जनता को बहुत ही पसंद आएगी। और इसमें हमारे फिल्म के मुख्य कलाकार जो हमारे हीरो हैं भाई रितेश जी हैं और संजय भाई का भी एक अहम किरदार है इसमें। इस फिल्म की पूरी बागडोर, पूरे निर्देशन का काम हमारे छोटे भाई HS पवन जी कह रहे हैं, हिमांशु शेखर पवन जी कर रहे हैं। और इनकी पिछले दो फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त हिट गई हैं और इसलिए हम लोगों ने इनको अपनी फिल्म में एक कैप्टन की भूमिका दी है और मुझे लगता है कि ये अपनी भूमिका के साथ न्याय करेंगे और इस फिल्म को भी ज़बरदस्त हिट के रूप में जनता के सामने लाएंगे। भोजपुरी सिनेमा का क्या सोचते हैं आप? देखिए, भोजपुरी फिल्म जो है या भोजपुरी कल्चर जो है हमारी देश की मिट्टी का हिस्सा है और यूपी बिहार में बड़ी तादाद में भोजपुरी बोली जाती है और भोजपुरी महसूस की जाती है। इसको बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हम लोग नहीं ले आ पाए थे, लेकिन अभी हम लोगों की योजना है और तमाम लोग इसमें काम कर रहे हैं, भाई लोग हैं जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में भोजपुरी बोलचाल की भाषा में भी और लिखने पढ़ने की भाषा में भी बहुत ही आगे अपना नाम करेगी और लोग भोजपुरी से जुड़, मतलब जो मिठास है भोजपुरी में वो और भाषाओं में नहीं आती है। इसलिए भोजपुरी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोग का ये प्रयास है कि हम लोग इस तरह की फिल्में और बनाएं, भोजपुरी सीरियल्स बनाएं, भोजपुरी फिल्म महोत्सव कराएं। जैसे आप लोग देखते होंगे बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्म में महोत्सव होता है, तो अपनी योजना है कि हम लोग बनारस में, काशी में आगामी आने वाले सालों में भोजपुरी फिल्म का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल कराएँ जिसमें तमाम आर्टिस्ट यहाँ के जो भोजपुरी फिल्म से जुड़े हुए हैं आएँ और उनको भी हम लोग विश्व के पटल पे उनका हम लोग नाम करवा सकते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? खड़यंत्र अच्छा जा रहा है या खड़यंत्र का तोड़ करेंगे संजय पांडे जी? हमेशा खड़यंत्र करके जाने जाते। सबसे पहले आप लोगों को गणेश चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज जहाँ पे अभी हम लोग इस फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं महाराष्ट्र मुंबई में, तो यहाँ पे तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसी दिन, इस पावन दिन को हम लोग अपनी फिल्म का मुहूर्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। और बड़े भैया संजय गुप्ता जी ने जो बोला, हमारे जो निर्माता हैं, कि एक अच्छी फिल्म, एक जो सामाजिक मुद्दा है, जो भी हम फिल्म बनाए हैं HS पवन जी हमारे डायरेक्टर साहब, अभी प्रजातंत्र हम लोगों की रिलीज हुई थी, एक सामाजिक मुद्दे को लेके हुई थी, उसके पहले इन्होंने राजा राजकुमार बनाया, तो दोनों फिल्मों को बखूबी निभाया है। और जिस प्रकार से संजय भैया ने इनके ऊपर जो विश्वास जताया है कि षड्यंत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे हम लोग, सबसे पहली बात आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि ये फिल्म प्योर भोजपुरी नहीं है, इसको हिंदी और भोजपुरी को मिक्सअप टाइप का हम लोग बना रहे हैं। जैसे कि जो हिंदी हम लोगों के उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है, काजी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, इस टाइप का हिंदी जो हम लोग का लैंग्वेज है, जिसका अगर हम लोग जो सोचे हैं वो कर पाए तो इस खड़यंत्र का पैन इंडिया मार्केट होगा। जो भी हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी को समझने वाले लोग हैं, हमारी इस भोजपुरी, हिंदी भोजपुरी फिल्म को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और बस आप लोग की गुड विशेज चाहिए कि हम लोग एक अच्छी फिल्म बना। देख रहे हैं स्कूटी पे जा रहे हैं, कैमरे साथ में। स्कूटी नहीं सर, स्कूटर है। क्या जर्नलिस्ट भूमिका होंगे? जी जी जी, जिस प्रकार से उस पर प्रेस लिखा भी हुआ है, हम लोग रोजगार छीनने वाला है। आपका एक भाई बढ़ने वाला है आप लोगों के साथ, छीनने वाला नहीं है। तो जर्नलिस्ट की भूमिका है और जिस प्रकार से कहा जाता है कि
जो ये मीडिया है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो इस समाज के सुधारने में, उसको एक सही दिशा में लाने में, सही पथ पे लाने में मीडिया का बहुत अहम योगदान होता है, अहम रोल होता है, तो उसको भी हम लोग इस फिल्म में दिखाएंगे। केंद्र में विपक्ष वालों ने सामने मीडिया की बैन बजा के रखी है, बहुत सारे नियम कानून लगा दिए हैं, तो उस पर आपको कुछ कहना चाहेंगे एज ए जर्नलिस्ट अगर बनेंगे तो? कैसे नियम कानून? बहुत सारे नियम कानून है, बगैर जानकारी के आप लोग किसी के बारे में, कोई जैसे चुनाव आ रहा है तो उस बारे में नहीं छाप सकते हैं, कोई भी किसी बार क्वेश्चन करता था? नहीं देखिए, मीडिया तो स्वतंत्र है, हमारे देश में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो स्वतंत्र है, जैसे चुनाव आयोग हो गया, मीडिया हो गया, ये सब स्वतंत्र है और इन पे कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। भाई मीडिया को प्रशंसा करती है मीडिया, तो मीडिया को आलोचना का भी अधिकार है, तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि मीडिया पे कोई प्रतिबंध लगाना उचित है या लगेगा। कौन जी बताइए इसके खिलाफ प्रजातंत्र के बाद खड़यंत्र, क्या उसका सिक्वल है या कुछ अलग आपके साथ षड्यंत्र हो गया जो वो भी जानना चाह रहे? सबसे पहले गणेश चतुर्थी के तमाम भाइयों को नमस्कार, जो भी ये मीडिया के माध्यम से हमको देख रहे हैं या जान रहे हैं। रही बात इसके, पहले मैंने प्रजातंत्र फिल्म बनाई थी, वो भी कॉन्टेंटल फिल्म थी, हम कंडीशन को लेकर फिल्म नहीं बनाते कि हमको पैसा ज़्यादा कमाना है या कमर्शियल पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करते, हम समाज की कुरीतियों को लेकर दिखाते हैं जो हमारे यूपी बिहार या पूरे इंडिया में, जिस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं लेकिन उसको मीडिया के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करते, उसको मेरा है कि मैं करूं, उसको दिखाऊं। ये फिल्म एक प्रेस रिपोर्टर की ही है, पत्रकारिता इसमें का अहम हिस्सा है, और ये फिल्म के मुख्य किरदार रितेश बाबू एज ए प्रेस रिपोर्टर ही हैं, और वो कुरीतियों को इससे कैसे निकाल के बाहर दिखाते हैं, इनको कितनी यतनाएं और कितना ये सब कुछ सहन करके और ये समाज से लड़ के, प्रशासन से, भ्रष्ट तंत्र से लड़ के उजागर करके और मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, ये किरदार इनका रितेश पांडे जी का है। षड्यंत्र को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हीरो रचने वाले तो इधर है। क्या प्लानिंग किया संजय भैया आपने षड्यंत्र रचने के लिए? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और ये बहुत शुभ दिन में मुहूर्त हुआ फिल्म का, और सबसे खास बात ये कि हम और रितेश बाबू दोनों इनकी पिछली दो फिल्मों में रहे, और आज के दौर में जहाँ फिल्में 70mm से 52 इंची में आ रही हैं, इस शख्स की इनकी एक बहुत बड़ी खासियत जो मैं आप इसके कहना चाहूँगा कि इनकी फिल्में गारंटेड पर्दे पे जाती हैं। हम जो फिल्में करते हैं उसमें हमें पता नहीं होता कि ये 70mm में जाएगी या 52 इंची में ही सिमट जाएगी, क्योंकि हार के एक बार बड़े से बड़े प्रोड्यूसर अपना कंटेंट भेज देते हैं, प्रीमियर कर देते हैं टीवी पे। ये अपनी फिल्मों को प्रॉपर रिलीज़ करते हैं और हम बड़े पर्दे पर देख सक पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत पवन जी की है, जो आजकल 90% देखने को नहीं मिली, जिससे कलाकार बहुत ज़्यादा हताश होता है जी, कि काम तो हमने पर्दे के लिए किया था, आपने हमको टीवी में सिमेट दिया, तो हम सीरियल ना कर लेते फिर, मैं तो कर ही रहा था सीरियल। ये बहुत खुशी की बात है, पवन जी की सबसे बड़ी खासियत, और हम दोनों फिल्में बहुत ह्यूज लेवल की बनी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब संजय जी जुड़े हैं और एक सेंसिबल इंसान जो सिनेमा को समझते हैं, जो भोजपुरी को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म उससे और ऊपर का मादा होगा, ये बिल्कुल कैनवास और बढ़ेगा पवन जी का और फिल्म का, भोजपुरी का, क्योंकि जब तक सोच बड़ी नहीं होगी काम बड़ा नहीं हो सकता। अभी कह रहे थे संजय भैया कि मैं जब पोस्टर बनवाने नरसू जी के पास गया था, उन्होंने कहा कि प्रेस को लेके भोजपुरी में कोई फिल्में नहीं बनी, हाँ, और आप इसके लिए फोटो शूट करवाइए, हाँ, तो फिर मैं इन रितेश बाबू का डबिंग चल रहा था फिल्म का, मैंने गया 9 बजे रात को, और मैंने ये बात कही कि भाई फोटो खिंचवाना जरूरी, चूंकि इनका तो लाखों फोटो है, हाँ, फोटो तो बहुत सारी है, ऐसा फोटो वो कॉपी पेस्ट कर देंगे कहीं का उठा के, इसका ये राजा राजकुमार का ही डाल देंगे। आपने नरसू भाई का नाम लिए, नरसू भाई भी हाजिर हो गए हैं, पूछिए सामने आइए नरसू भाई, बैठिए। एक और चीज़ संजय भाई आपसे साझा करना चाहूँगा कि प्रजातंत्र का जो रिजल्ट है, दो दो सप्ताह यूपी में चली है, वेरी गुड, और मुंबई में सारे या खंडवा से कि कहाँ, तो ये आपका कलेजा है कि आज किस दौर में आप पर्दे पे ला दे फिल्म, आदर्श नगर से लेकर सब जगह फिल्म, कहता हूँ 90% फिल्में पर्दे तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं,
हम उस दौर में ये षड्यंत्र भी है। हाँ रितेश बाबू बिल्कुल बिल्कुल। संजय भैया ये बताइए कि एक्ट्रेस नहीं है क्या फिल्म में? नहीं, नहीं, एक्ट्रेस की तलाश जारी है। मन कैसे लगेगा? वही तो षड्यंत्र के तहत मैंने गायब कर दिया, इसलिए स्कूटर पे थी वो पीछे और मैं अपनी कार में उठा के ले गया। संजय भैया मैं पर्चा देना चाहूंगा हमारे जो प्रोड्यूसर है यशस्वी फिल्म के जो निर्माता मैंने जो भी है सब सर्वे सर्वाई भैया हैं इनका अपना डेन काशी वगैरह सब कुछ चल रहा है और लाइव कम से कम बहुत शो कराए हैं जिसमें कैलाश खेर से लेकर सब कोई इन्हीं के माध्यम से। हाँ तो ये जो है भैया का जो हमारे भैया निर्माता हैं जिनका नाम संजय गुप्ता। मैं फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री से 94 से जुड़ा हूँ और बनारस में जो सबसे पहला जो वहाँ का लोकल टीवी चैनल था सी टीवी के नाम से वो मैंने शुरू किया था 94 में। आज भी मेरा सिटी केबल और डेन का बनारस और पूर्वांचल का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास और वहाँ लोकल न्यूज़ वगैरह सारी मतलब मीडिया से हम लोग रिलेटेड रहे हैं। रियल इस्टेट में भी मैं हूँ तो कई शोज़ कई इस तरह के छोटे छोटे वेंचर्स हम लोगों ने किए हैं फिल्म और उससे जुड़े हुए कई म्यूज़िक एल्बम किए हैं और अभी पवन जी के ऊपर एक ट्रस्ट बना तो ये एक फिल्म का प्लान था और इसकी कहानी भी मैंने लिखी हुई है और कहानी मुझे लगता है कि अभी रिवील करना बहुत उचित नहीं होगा। नहीं, 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 क्योंकि बहुत नहीं बिल्कुल उचित नहीं होगा। तो उस तहत ये जब पर्दे पे आएगी तो निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत आनंद आएगा और एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है ये कहानी और निश्चित रूप से सारे दर्शक इसको बहुत एंजॉय करेंगे। नितेश भी आपने हर तरह के किरदार निभाए हर तरह के रोल आपने निभाए हैं और स्पेशली आपको एक मीडिया एक पत्रकार की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। कई बार आलोचनाएं होती हैं कई बार सराहनीय भी होती है तो बहुत ही तिगड़म वाली जिंदगी है इसके लिए आप किस तरीके से क्या आप किसी पत्रकार से बात करेंगे एक्सपीरियंस कैसे आएगा क्योंकि रियलिटी तो पर्दे पर आपको या कितना जानते हैं मीडिया के। हमें देखे होंगे कि दिन में कम से कम 24 घंटे में 2 घंटा तो हमारा जाता है ये न्यूज़ देखते देखते। तो पत्रकारों को देख के ही और बहुत सारे ऐसे जैसे श्वेता सिंह जी हैं आज तक के रिपोर्टर हमारे बड़े भाई इंडिया टुडे के संपादक हैं सौरभ द्विवेदी जी जो जिनका लल्लन टॉप चलता है तो मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ इन लोगों से तो पत्रकारों के बारे में थोड़ा बहुत पता है और अब जब से ये मिला है हमें किरदार पर एक पत्रकार का तो उसके बाद से और अध्ययन जारी है। और आप लोग शुरू हो जाए आप संजय भाई से क्वेश्चन या राम भाई को कोई क्वेश्चन आ रही है कहीं नहीं पत्रकारिता में जो है कहीं कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है तो इस संयंत्र में जो है किस तरह से कठिनाइयों का सामना करेंगे भाई मेरे ये आपको फिल्म में पता चलेगा देखिए फिल्में होती हैं समाज का आईना तो जो समाज में चल रहा है उसी को हम लोग दिखाएंगे जिस हिसाब से एक पत्रकार कैसे किसी चीज़ का किसी स्कैम का भंडाफोड़ करता है क्योंकि देखिए मीडिया का काम यही है ना कि सच्चाई को पब्लिक के सामने लेके आए तो मूलतः यही काम होगा और उसमें एक अच्छी सी लव स्टोरी चलेगी और उस लव स्टोरी को मैं वो हीरो है लव स्टोरी ना भूलें। कुल मिला के हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश शूटिंग बनारस और उसके आसपास के ज़िलों में होगी। मेन शूटिंग वहीं पे होगी। फिल्म की लगभग 70-80% शूटिंग है यूपी में है और वो भी बनारस बेस्ड करके है। मिर्ज़ापुर वगैरह लेके सब होगा। कोई एक यादगार आपकी लाइफ में आपने कोई यादगार कोई कुछ ऐसा देखा हो जिसमें मीडिया की अहम भूमिका हो जैसे मेरी लाइफ में मैंने 26/11 आतंकी हमला देखा है मैंने 26 जुलाई के जो भी पानी आया था हम बह गए उसमें मैंने रिपोर्टिंग करी है और बहुत सारे ऐसे हैं तो आपकी कोई याद जिसमें मीडिया के लिए आपके लिए वाह निकला हो क्या बात है क्या काम करा हो कुछ याद करना चाहेंगे? मैं छोटा था तो एक पत्रकार है शायद दीपक चौरसिया तो कोई वॉर चल रहा था या फिर कोई आतंकी हमला था और वो कैमरा लेके उधर चले गए थे एकदम मेन लैंड में जहाँ वॉर हो रहा था तो मुझे लगा कि अरे मतलब मीडिया यहाँ तक करती है वो
एक गन से शूटिंग होता है, कैमरे से शूटिंग होता है, और वैसे जगह पे दोनों बराबर जोखिम का काम है। ग्राउंड जीरो पे जाके आप कैमरे से भी शूट कर रहे हैं तो समझिए कि आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सारे पत्रकार साथी हैं जो जो इस तरह के जोखिम उठा करके ये काम करते हैं। बिल्कुल, तो उस तरह से कुछ चीज़ें हम लोगों ने ली हैं फिल्मों में, जो आज की पत्रकारिता, मतलब अब तो बहुत सारी भिन्न पत्रकारिता है इस समय, अलग अलग तरह के चैनल हैं, कई जगह कंप्रोमाइज़ भी होते हैं, लेकिन इसमें जो हमारा करेक्टर है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। समाज के दुश्मनों के खिलाफ वो मुस्तैदी से खड़ा होता है और उनका भंडा फोड़ करता है, उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है। बहुत सही कहा संजय सर, और भगवान करे ऐसे पत्रकार। इसमें हमारे हीरो की टैगलाइन भी है कि सच को उजागर करना सिर्फ मेरा शौक नहीं, मेरी फितरत भी है। ये लाइन थोड़ी सी अब आपके मुंह से मजा आ जाएगा, मतलब सच को उजागर करना मेरा शौक ही नहीं, मेरी फितरत भी है। सच को उजागर करना मेरा शौक ही नहीं, मेरी फितरत और मेरा धर्म भी है। बहुत बढ़िया, अपनी एक शब्द ऐड कर दिया। अरे भाई पत्रकार सर, आप बताएं कि पत्रकारों की अब फिल्म में आप एज ए विलन जा रहे हैं, तो हर बार तो आपकी लड़ाई कई अन्य, इस बार बहुत ही शक्तिशाली होता है पत्रकार अपने आप। ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस अगर आपका हो, क्योंकि आप भी लिखते हैं, पत्रकार कहते हैं। नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस पत्रकारिता का, पत्रकारों का कभी नहीं रहा, और सभी पत्रकार बड़े मित्र रहे हैं मेरे, हैं भी, और तो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी टफ होगा कि पत्रकारों के खिलाफ जाना फिल्मों में, तो खैर हमें करना पड़ेगा, हमारी विवशता है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे होते ना कि अगर मैं एक्टर ना होता तो पत्रकार होता। अगर कोई मुझसे पूछे कि आप एक्टिंग ना करते तो क्या करते, तो मैं पत्रकारिता ही करता। मुझे समीक्षा का बड़ा शौक है, शुरू से रहा है, कि मैं जनसत्ता अखबार पढ़ता था, पापा मैं छोटा था तो हमारे घर में जनसत्ता आता था, तो उसमें समीक्षा आती थी फिल्मों की, तो मुझे लगता बहुत बड़ी समीक्षा लिखते थे वो लोग, बड़ी बड़ी फिल्मों की समीक्षाएँ, और बड़ा बैलेंस करके लिखते थे। अभी जो समीक्षाएँ बड़ी प्रो हो जाती हैं कि या तो फेवर में होंगी या खिलाफ में होंगी, बिल्कुल मतलब बैलेंस के, हाँ जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत कहें, तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो मेरे लिए, हालांकि मैं पत्रकार नहीं हूँ, पत्रकार तो रितेश बाबू है, काम तो मेरे को वही सौंपा गया जो हर फिल्म में करता है। पहला इंटरव्यू मेरा पहली फिल्म के समय लिया गया था, और उस वक्त जैसे हमको रियल कैमरे के, हमारे फिल्मी कैमरे के सामने हाथ पैर कांपते हैं, वैसे उस समय भी कांप रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, और बड़ा एक भय था पत्रकारों से कि पता नहीं क्या सवाल पूछ बैठे, कब क्या वो कर बैठे। लेकिन भोजपुरी में थोड़ी एक ये है कि सारे पत्रकार मित्र बड़े करीबी हैं, इसलिए ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं करते, थोड़ा वो भी बचाते हैं, थोड़ा हम भी बचते हैं, करीबी बना के रखते हैं, हम करीबी बना के रखते हैं। पत्रकार में रिस्क होता है, कहीं ना कहीं अगर सच्चाई दिखाने का काम करो, कहीं राजनेताओं की तरफ से एक दबाव होता है, तो इसमें किस तरह से दबाव आता है, दबाव को छुपा मतलब रख कर जो है सच्चाई किस तरह से दिखाते हैं। देखो भैया जी, दब जाए वो पत्रकार होइबे ना करे, पत्रकार दबने वाला थोड़ी होता है, पत्रकार तो एक बागी होता है, जो हम लोग शुरू से ही देखते आते हैं कि जो पत्रकारों की छवि होती है वो बागी की होती है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कौन, जहाँ कार जुड़ा है वो बागी ही है, बिल्कुल चाहे वो कलाकार हो या पत्रकार हो, वो बागी ही होता है। बिल्कुल, हम लोग और बहुत आपको बधाई कि भाई आप लोग भी हमारे, आप स्पेशली आप जो हैं आ गए अब हमारी टीम में, क्योंकि हमें तो हमेशा यही कहते हैं जो था बेकार वही बन पाया पत्रकार। पत्रकार बनना अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात होती है, और हर आदमी में इतनी जिजीविषा, इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो पत्रकार बन सके, उसके लिए बड़े त्याग और समर्पण की जरूरत पड़ती है, जो आप लोग करते हैं। हाँ, बड़ी इसलिए गानों पे भी विचार चल रहा है, और हमारे बड़े भैया आए हैं गाने के लिए, संतोष जी अभी हैं, संतोष पुरी जी हैं, पुरी जी, संतोष पुरी और अजय वर्मा जी हैं, और एक दो गाना और इधर मैं देख रहा हूँ जो अच्छा। अभी हम लोग गाने पे डिस्कशन कर रहे हैं, उस पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे भाई रितेश पांडे जी हैं,
और संजय भैया पाड़े पाड़े जी दो पाड़े की फाइनल खेले हुआ जी मिश्रा जी दो पाड़े को फाइनल किए। अयाज खान जी भी हैं, देव सिंह भी हैं, विनीत विशाल भी हैं, सब लोग हैं। अभी केवल हीरोइन को हम लोग ये कर रहे हैं, हीरोइन तुरंत फाइनल होगा, हम लोग आपको बताएंगे। मतलब एक हीरो को छोड़ के बाकी खलबल तैयार हो गया, पूरा तैयार हो चुका है। संजय सर, आपका एक पत्रकार से ही जुड़ी सवाल है आपसे। कहीं ना कहीं एक आपकी मूवी आई थी राजा बाबू करके, उसमें आप जो है जब राजा बाबू जो थे निरहुआ जी, जब भी करोड़पति का गेम खेलने जाते थे, आपने कुछ डायलॉग बोले थे रुतबा गैलबा मियान ना, तो उसमें जब जीत कर आते हैं मीडिया जब भी उनको कवरेज के लिए जाती है नहीं मिलता, तो आपका एक डायलॉग था, वो क्या शेयर करना चाहेंगे? उस वक्त नहीं, जब वो जा रहे होते तब एक ताना मारता हूँ जो बड़ा हिट हुआ था, कि अपने आप के रोहित शर्मा बुझता रहे जब मैंने एक दिन में 265 रन मार देवे। मैं अभिनेता शैलेंद्र श्रीवास्तव आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आज इस शुभ मुहूर्त पे संजय गुप्ता जी की फिल्म षड्यंत्र का आरंभ हुआ है, मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसके मुख्य नायक रितेश पांडे जी को भी बधाई देता हूं, और इससे जुड़ी समस्त कास्ट एंड क्रू को शुभकामनाएं देता हूं। संजय भूषण जी जो इसके पीआरओ हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? भैया प्रथम कदम भी यही, आपने अगर जो गणेश चतुर्थी को रख दिया तो सब कुछ शुभ शुभ ही होना है, और गणपति को वैसे भी विघ्नहर्ता कहते हैं, तो अगर यदि कोई विघ्न आया भी तो वो हर लेंगे, ये विश्वास रखिए, और आज के दिन जो कार्य जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफलता ही मिलेगी। साहब मैं उन सभी को जो उसके प्रोड्यूसर हैं संजय गुप्ता जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और ये कामना करता हूं कि वो ऐसे ही भोजपुरी फिल्मों का निर्माण करते रहें और अच्छी से अच्छी फिल्म बनाएं। अच्छी फिल्मों का अकाल रहता है सदा, और ईश्वर करें अच्छा कार्य हो। गणेश चतुर्थी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, और बहुत ही शुभ दिन ये मुहूर्त रखा गया है। इसके जो कलाकार हैं रितेश पांडे जी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ग्राउंड टू अर्थ है, और मुझे लगता है ये फिल्म बहुत ही अच्छी आने वाली है। प्रोड्यूसर संजय गुप्ता जी, मैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और डायरेक्टर पवन सर और पूरी कास्ट एंड क्रू, सिंगर से लेकर जितने भी कास्ट हैं सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं कोशिश करूँगी कि इस फिल्म का जितना ज़्यादा से ज़्यादा माउथ पब्लिसिटी हो सकता है मैं करूँगी। और आप देख सकते हैं मुहूर्त की शुरुआत हो चुकी है, और मेरे साथ ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। थैंक यू। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी के हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और इस षड्यंत्र फिल्म से जुड़ के बहुत खुशी हो रही है, और अपने प्रोड्यूसर साहब जो हैं संजय गुप्ता जी ने मुझ पर विश्वास किया, और संगीत का जो कार्यभार मुझ पर सौंपा है उसे मैं पूरे दिल से निभाने की कोशिश करूंगा। रितेश पांडे जी स्टार हैं और वो काफ़ी अच्छा काम करें कर रहे हैं और करेंगे, ये पूरा विश्वास है। और पवन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, डायरेक्टर साहब जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और सारा टीम मिलके बहुत अच्छा काम करने जा रहा है, और आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और एक बार और गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस फिल्म में रितेश पांडे जी हीरो हैं और सिंगर भी एक सुपरस्टार हैं। बधाई भैया, बधाई, शुभकामनाएं। चैलेंज होगा कितना जो है हाइट के म्यूजिक किसको देने वाले हैं? हाँ, ये तो बात है कि वो वर्सटाइल सिंगर हैं, अभी हाल ही में मैंने गाना रिकॉर्ड किया था एक फिल्म का जो बहुत ही डिफरेंट जोनर का था, तो उन्होंने सारे गाने जो हैं इंसाफ किया अपने आवाज़ के साथ, बहुत अच्छे सिंगर हैं और एक्टर भी हैं। तो अभी इसमें बहुत ही चैलेंजिंग मुझे सिचुएशनल, ज़्यादातर फिल्मों में कमर्शियल गाने ज़्यादा रहते हैं, इसमें बहुत कम कमर्शियल गाने हैं, लेकिन सिचुएशनल बहुत अच्छे अच्छे गाने आने वाले हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि रितेश जी इन सारे गानों को बखूबी निभाएंगे। आप बहुत कम भोजपुरी फिल्म देखते हैं, क्या
ऐसा नहीं है, म्यूजिक तो कर रहा हूँ लेकिन जहाँ से काम मिलता है हम लोग करते हैं और जो भी काम मिलता है उसे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। जी पूरे टीम को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ क्योंकि टीम में मैं भी हूँ और सब कोई बढ़िया से काम करे, अपना अपना जो भी किरदार जिसको मिला है वो निभाने की पूरी कोशिश करे, यही पूरे टीम को मेरा शुभकामना है। सर बात करिए, भोजपुरी का अभी दत्तक पुत्र मैंने किया है वो आने वाला है और हिंदी की अभी एक फिल्म मैंने की है 695, उसके डायरेक्टर हैं योगेश भारद्वाज जी, जिसमें मेरे साथ हैं अरुण गोविल जी हैं, मुकेश तिवारी हैं, अखिलेंद्र मिश्रा हैं और वो बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। और कुछ वेब सीरीज़ कर रहा हूँ मुकेश खन्ना जी के साथ, एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ और विनय शुक्ला जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं हिंदी के, जिन्होंने गॉड मदर फिल्म बनाई थी, उनकी फिल्म एक आने वाली है, अभी नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, उसमें खलनायक हूँ। जनवरी में शूट। क्या बात है, ओके। सो अभी जैसे हम ऑलरेडी रितेश पांडे जी की एक मूर्त के सेट पे बैठे हैं, उन्हीं के साथ आने वाली एक फिल्म जो शूट हुई थी पिछले साल और बहुत जल्दी जियो स्टूडियोज़ पे दिखेगी, और उसके बाद आने वाली है मेरी लव कनेक्शन 2 है, जानते हैं आप, अभी कुछ महीने पहले रिलीज़ हुई थी, उसका दूसरा पार्ट भी बन के तैयार है, बहुत जल्दी दर्शकों के बीच में होगा। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो मैं अभी नहीं देना चाहती लेकिन ये जल्द ही आप लोग के सामने आएगा, बट फिलहाल के लिए यही। इस फिल्म में रितेश पांडे जी एज ए प्रेस रिपोर्टर की भूमिका में हैं और समाज की कुछ कुरीतियाँ हैं जिसको लेके वो मीडिया के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे और आपके माध्यम से मार्केट में भेजेंगे। कहाँ शूट करना चाहते हैं भौजी फिल्म को, कब शूट करना चाहते हैं, कितनी शेड्यूल में पूरा करना चाहते हैं? फिल्म 1 शेड्यूल में पूरा करेंगे और बनारस और मिर्ज़ापुर के आसपास जगहों पर मैं इसको शूट करूँगा। स्टोरी में क्या आपको सबसे यूनिक लगा या आपको लगा कि भाई ये फिल्म का आपको हिस्सा होना चाहिए इस स्टोरी में? सबसे पहले जो हमारे प्रोड्यूसर हैं संजय गुप्ता जी, वो मैंने बहुत ही मैच्योर्ड और पढ़े लिखे एक अच्छे लेवल के लेखक भी हैं, वो उनकी लेखनी में इतनी अच्छी और सराहनीय मधुकर भाई लगा कि जब उन्होंने मेरे को कहानी सुनाया तो लग रहा था कि मेरे सामने घट रहा है। और उनको काफ़ी अनुभव भी है मीडिया के, लगभग उन्होंने दो चैनल हैं अपने और छोटी बड़ी फिल्म में उन्होंने फाइनेंस भी किया है और बनाया भी है, उन्होंने सीरियल भी बनाया, लाइव शो दो चार किए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है, इसलिए लगा कि इनके साथ काम करके एक अच्छा चीज़ हम समाज को दे सकते हैं, जो हमारी ललक है अंदर से बहुत दिनों से, जो मैं अच्छा करूँ, अच्छा दिखाने का प्रयास करता हूँ, तो उसमें एक अच्छा कड़ी के रूप में भैया हमको जुड़े और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी स्टोरी उन्होंने लिखी और इसको लेके मैं शूट करने जा रहा हूँ। इसकी खास वजह नहीं है, इसकी ये है कि हरदम जब भी मैं शूट किया हूँ तो एक अच्छे कास्ट को लेके ही, हीरोइन जो भी रहा है वो पिछले फिल्म में काजल थी, उसके पीछे फिल्म में अक्षरा जी थी, तो इस फिल्म में भी मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा, चूँकि ये लोकल लैंग्वेज है, भोजपुरी नहीं है, जिसको आप जिसे देखते होंगे गैंग्स ऑफ वासेपुर वगैरह, ये सब फिल्म दबंग, इस सब टाइप की फिल्में हैं जिसमें भोजपुरी और हिंदी दोनों का संयोजन होगा और अच्छा लगेगा आपको। एक प्रयोग मैं करके देखना चाहता हूँ कि होता क्या, बहुत अच्छा है, हरदम ऐसी फिल्में बनी है तो ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ है, जैसे गोविंदा जी का कोई भी गाना फिल्म देख लीजिए, कोई भी देख, उसमें लगता है कि हमारा फोक हम है, ये चीज़ मैं देना चाहता हूँ और प्रयासरत हूँ, देखिए आगे बाबा विश्वनाथ जो करें। कलाकारों का किन किन कलाकारों का चयन हो चुका है? कलाकारों में लगभग एक हीरोइन छोड़ के सारे लोगों का हो ही चुका है, जैसा कि पहले भी आपने देखा अभी तक तो सुख, हाँ रितेश जी हैं, संजय पांडे जी हैं, विनीत विशाल हैं, देव सिंह हैं, अयाज जी हैं, सुधीर बाबू हैं, शान हैं, मतलब लगभग चल रहा है, अभी कुछ बाकी है उसको देख लेते हैं कुछ लोगों का और देखना है, और एक हीरोइन है उसको मैं डिस्क्लोज़ करूंगा शूटिंग के 10 दिन पहले, एक अच्छा
इंडस्ट्री में अच्छी हीरोइन आएगी जो ये इसको करेगी, और उसमें प्रयासरत हूँ मैं। अब जब तक वो हाँ नहीं कहती हैं तब तक थोड़ा सा ही है, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ कि वही काम करे। मधुबालन जी, भोजपुरी का कारवां बड़ा होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है, उसी कड़ी में एक नई फिल्म जो है वो षड्यंत्र है, शुभकामनाएं। जी जी, सबसे पहले हम सब जितना दर्शक लोग जुड़ल बा सबके प्रणाम करते नहीं, नमस्कार। हमारे बड़ा अच्छा अजीज एकदम खास मित्र हैं HS पवन जी, और आपको पहली डायरेक्शन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली डायरेक्शन? अच्छा, दूसरी है ना? तीसरी है। हाँ, हाँ, ये तीसरी फिल्म है। प्रजातंत्र खुद आप बनाए थे मेरे डायरेक्शन, पूरी म्यूजिक आप ही ने दिया था। हाँ हाँ, प्रजातंत्र के भी आप ही डायरेक्टर थे। प्रजातंत्र बहुत कमाल का हम लोग एक काम किए थे। एक्चुअली उसमें ज़्यादा हम गाइड हुए थे आपके राइटर से भी। राइटर से भी ज़्यादा गाइड हुए थे, और आपने तो राइटर जो लिखता है उसको, उसका आत्मा तो उसमें लगा ही जाता है। लेकिन फिल्म मेरी ये तीसरी है अपने, और उसमें मधुकर भाई ने म्यूज़िक दिए थे, बहुत अच्छा ही म्यूज़िक इन्होंने बनाया और अच्छा रिस्पांस रहा। गाने भी सारे उसके अच्छे रहे। इस फिल्म में भी मधुकर भाई का सहयोग है और इसमें भी इनकी गाने जा रहे हैं। अरे बिल्कुल, जैसे संतोष पुरी जी का भी है, मधुकर भैया भी हैं, और उस तरीके का एक अच्छे संयोजन का, जैसे देखिए जो म्यूजिक हो या राइटर हो या डायरेक्टर हो, कोई भी हो, सबका अलग अलग जॉनर होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे। तो थोड़ा सा ये फोक टाइप का आएगा, चूँकि मैं बोला ना कि ये 2005 की घटना है। मैं आपको देख, जैसे पोस्टर देखिएगा आपको पता चल जाएगा ये सत्य घटना पर आधारित है, और एक बड़े ही सुलझे और समझदार राइटर की लेखनी है। उसको हम लोगों को पर्दे पे लाना है, तो उस तरीके से सब अलग अलग जॉनर के लोग हैं, सबको जोड़ के एक अच्छी फिल्म देने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे जनता जनार्दन तो सब अभी प्रजातंत्र को बहुत अच्छा प्यार दिया था। और एक चीज़ और बता दें कि पवन जी का कलात्मक पक्ष शुरू से ही बड़ा मजबूत रहा है। देखिए हम लोग तो भूल जाते हैं कि कौन डायरेक्टर हैं कौन राइटर हैं, चूँकि हम लोग ऐसा टीम वर्क करते हैं कि हमको पता ही नहीं होता है कौन डायरेक्टर कौन राइटर, सब लोग मिल के हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप तो पुश्तैनी एक बढ़िया संगीत घराने से हैं, तो संगीत में एक अच्छी इनकी पकड़ है हमारे। अच्छा चलिए, मधुकर भैया। अच्छा, नाम में भी पवन, जो कि पवन सिंह इंडस्ट्री के एक बेताज बादशाह, आप भी पवन, एक हमारे पवन श्रीवास्तव जी हैं बहुत कमाल के लिखते हैं। अच्छा, तो ये पवन नाम बड़ा एक हमको अट्रैक्ट तो करता है। और मैं जितने भी श्रोता दर्शक जितने भी बंधु हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि इस फिल्म जब भी आए, अभी आएगा इसका, बहुत जल्दी शूट करेंगे इसको। नवंबर दिसंबर में मैं शूट कर दूंगा इसको, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और क्या, और सब अपना आशीर्वाद देते रहे। लगातार मेरे एल्बम्स भी प्रोडक्शन से आते रहते हैं। ये यशस्वी फिल्म प्रोडक्शन जो है, भैया का भी बहुत बड़ा अनुभव है, इस प्रोडक्शन को प्यार दें।